हरा भरा एक जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था। उस जलाशय के पास रहते थे एक सियार और एक सारस पक्षी। सवेरे सवेरे समय काटने के लिए जा रहा हूँ सारस भाई से मिलने को। अरे सियार भाई, कैसे हो? क्या खबर है? मेरा तो वही है, तुम्हारी क्या खबर है? दिन निकला नहीं और खाने के लिए निकल जाना पड़ा। आह, काश कोई मुँह के सामने खाना ला देता। अच्छा, ये बात है। अरे आज दिन में चलो मैं तुम्हें पार्टी कराता हूँ। लगता है आज इसके मजे लेने का दिन है। मजे लेते हैं। शाम हो गई। सारस पहुंच गया सियार के घर। सियार भाई, ओ सियार भाई, कहाँ हो? अरे आओ आओ, तुमको निमंत्रण देकर मैं खुद नहीं रहूंगा क्या? और बताओ सारस, कैसा दिन जा रहा है तुम्हारा? खूब खराब भी नहीं, खूब अच्छा भी नहीं, बस चल रहा है किसी तरह। हाँ बढ़िया है। अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं खाना निकाल कर आता हूँ, क्या कहती हो? सियार गया खाना निकालने। आओ आओ सारस भैया। खाने के पास सारस आकर देखता है एक पतले गोल थाली में पीला एक तरल पड़ा हुआ है। आओ सारस भैया, तुम्हारे लिए खाना तैयार है। अब आप हमारे अतिथि हैं तो सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। मेरी लंबी चोंच से ये खाना खा नहीं सकता, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। प्रयास करके भी सारस कुछ नहीं खा पाया। इधर सियार जम कर खा रहा था। सारस भाई, अगर कुछ और चाहिए होगा तो बताना मुझे। और बोलो, खाने की तो व्यवस्था ही की नहीं और पूछ रहे हैं और लोगे? सियार का खाना खत्म, सारस बस भूखा ही रह गया। ठीक से खाए हो ना सारस भाई? खाना बहुत अच्छा था, किंतु भैया कल मैंने मेरे घर पे दावत रखी है, मेरे भी घर पे आके खाना खाना होगा। अरे कल ही क्यों, बाद में भी तो हो सकता है ना? ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, कल तुम्हें आना ही होगा। ठीक है, इतनी बार बोल रही हो तो चल आऊंगा मैं। तब मैं चलता हूँ भैया, गुड नाइट। दूसरे दिन बड़ी खुशी से सियार दावत के लिए सारस के घर पहुँचा। सारस भैया। अरे क्या सौभाग्य है मेरा, आओ भैया अंदर आओ। और बाकी सब ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ भैया सब ठीक है। तुम्हारे घर का मौसम बहुत ही ठंडा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ इसीलिए तो खुले आसमान में पेड़ के नीचे दावत की अच्छे से व्यवस्था की है। बहुत अच्छे। आओ भैया आप बैठ जाओ। सियार ने देखा पेड़ के नीचे दो लंबी सुराई में खाना रखा था। लो भैया शुरू करो। शुरू करते हैं। हाँ इस शुभ काम में देरी क्यों? सियार खाने का प्रयास करने लगा, किंतु घड़े के अंदर तक उसका मुंह नहीं पहुंच पाया। खाने की खुशबू से सियार की भूख और बढ़ गई, किंतु वो कुछ नहीं खा पाया। पर सारस सुराई के अंदर अपनी लंबी चोंच से खाना खाता रहा। भैया और थोड़ा लो ना। पागल हो क्या, पेट भर गया मेरा। आज तो लगता है कि भूखे ही जाना पड़ेगा। खाना अच्छा था भैया? बहुत अच्छा था। तुम्हारा पेट भर गया ना भैया? एकदम भर गया। आपको खाना खिला के खुशी मिली, फिर आना होगा आपको। अरे आज की पार्टी तो इतनी मजेदार हो गई है, अगली बार का सोच के बताता हूँ। आप मेरे घर आने से मैं धन्य हो गया। ठीक है भैया। ओके देन बाय। गुड बाय। आनंदपुर राज्य, राज्य के राजा का पुरोहित अग्निशर और उनका परिवार बहुत ही छोटा और सुखी था। उनकी घरों में बहुत ही खुशी थी। देखते ही देखते उनकी बेटी बड़ी हो गई।
पूरा दिन पूजा ही करोगे। बेटी बड़ी हो गई है, उसकी चिंता है आपको, कब उसकी शादी विवाह करोगे? शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए। हमारे बेटी के शादी के लिए बिना देखे तो नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी सोचते हो, लड़के बड़के देखे हो क्या? हाँ, मैं चंद्रपुर गांव में एक विशेष काम के लिए जाऊंगा। आने के समय लड़का देखना शुरू कर दूंगा। अगले दिन पुरोहित गए चित्रकूट राज्य में। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई एक लड़के से। लड़का पसंद करके घर में ले आया बेटी के शादी के लिए। सुनती हो, ये देखो मैं किसे लाया हूँ, मेरे गुरुदेव का लड़का, नाम है नरेंद्र, स्वभाव का बहुत अच्छा है, चाहो कि इसी से बेटी का शादी करवाऊंगा। ये क्या, मैं भी पूजा के लिए एक लड़का देख ली हूँ, इसका नाम है चंदन। ये कैसे हो सकता है, मैं भी बहन के लिए एक लड़का पसंद किया हूँ, ये मेरा दोस्त है काशी, प्रणाम। अब क्या होगा? सुनिए पिताजी, कल मैं बगीचे से फूल तोड़कर एक फूल का माला बनाऊंगी और मैं जिसे पहनाऊंगी आप उसी से मेरा शादी करवा दीजिएगा। ठीक है बेटी, वैसा ही होगा। पूजा मर गई। उसकी अंतिम संस्कार होने के बाद उसके घर वाले और उसके लाश अपने अपने घर लौट गए। रह गए ये तीनों। एक बार देखे मैं पसंद कर लिया। सच में अगर ऊपर वाला मुझे भी बुला लेता उसका सर तो अच्छा होता। सुनो दोस्त, एक काम करते हैं, मैं उसकी अस्थियां लेकर पूरा दुनिया घूमने जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि कोई सन्यासी से बचा पाए। ठीक है दोस्त, तो मैं उसकी राख लेके दुनिया घूमने जाता हूँ। तुम? नहीं, मैं उसकी चिता के पास रहूंगा तुम दोनों के आने तक। ठीक है, हम दोनों वादा करते हैं, ठीक एक साल बाद हम दोनों यही मिलेंगे, तुम हम दोनों का इंतजार करना। दोनों ही रवाना हो गए अपनी अपनी यात्रा पर। नरेंद्र शुरू कर दिया शमशान में योग साधना और एक तरफ चंदन घूमते घूमते आ पहुंचा एक ब्राह्मण के घर। सुनिए सुनिए, कोई है घर में? कोई है? कौन है? मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ। डरो मत, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तुम घर के अंदर आके कुछ खा लो, आओ तुम अंदर आओ। जी मैं आ रहा हूँ। शैतान लड़का, कब से मेरे को परेशान करके रखा है। ये क्या, आप एक छोटे नाजन बच्चे को मार दिए हैं? आप ऐसे कैसे कर सकती है? तुम चिंता मत करो, मैं अपना दिव्य शक्ति से इसे दोबारा जीवित कर दूंगा। उसके बाद वो तांत्रिक अपने बच्चे को दिव्य शक्ति से जीवित कर लिया है और वो सोचने लगा दिव्य शक्ति के किताबें चोरी करने के लिए सोचने लगा। वहां से चला गया किताब लेकर। दोस्त मैं आ गया, साथ में दिव्य मंत्र की किताबें लाया हूँ। इधर एक साल पूरा हो गया और लौट आया काशी भी, और पूजा की अस्थियां एक जगह रखा गया।
बस सब तैयार है। चंदन तुम मंत्र शुरू करो। कर रहा हूँ। पूजा पूजा जिंदा हो गया। पूजा महाराज, ये बताइए उन तीनों में से किसे अपना पति मानेगी? करण चंदन जीवन दान दिया है और वो अपना घमंड में और काशी उसकी अस्थिया की ख्याल रखा था, क्योंकि वो पिता समान है। पूरा एक साल उसका ख्याल रखा था। ऐसा एक पति ही पत्नी के लिए कर सकता। अच्छा सुनो बच्चों, कल स्कूल में दांतों के डॉक्टर आएंगे। तुम सभी के दांतों का चेकअप करेंगे। जिसका दांत सबसे ज्यादा साफ और मजबूत होगा उसे इनाम दिया जाएगा। सर, इन लोगों में मेरा दांत सबसे ज्यादा साफ है। कैसे चमक रहा है देखिए, और बहुत मजबूत भी है। आप एक नारियल दीजिए, मैं अभी दांत से छील कर दिखाता हूँ आपको। फिर सर वो इनाम तो मुझे ही मिलेगा। उल्लू के पट्टे, अभी अपना दांत बंद कर, कल डॉक्टर बाबू के सामने खोलना। उसके बाद पता चलेगा कि तेरा दांत मजबूत है या मेरा डंडा। अरे नहीं, इसमें डंडा क्या करेगा? वो तो तुझे कल ही समझ में आएगा हलकट। अब मैं चलता हूँ, कल सभी वक्त पे आ जाना। ठीक है सर। समझा बोचा? मैंने सुना है कि पके आम खाने से दांत बहुत मजबूत होते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तू कैसे जानेगा, तू तो अभी बहुत छोटा है। जितना भी छोटा क्यों ना हो, कल की अच्छे से तैयारी करने के लिए हमें ये पके पके आम खाना ही पड़ेगा भोला भैया। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। आखिर कैसे उन आमों को पेड़ से तोड़ा जाए। मैं बोलूं भोदा भैया? हाँ बोल। सीढ़ी के सहारे दीवार पे चढ़ के हम आम तक पहुँच जाएंगे। अरे बोचा, भगवान ही जाने कब तुझे बुद्धि आएगी। सीढ़ी लगाकर हम आम तोड़ सकते हैं, क्या ये बात मेरे दिमाग में नहीं थी? लेकिन हम सीढ़ी कहाँ से लाएंगे? क्यों भोदा भैया, आप और मैं अगर एक साथ कोशिश करें तो एक मामूली सी सीढ़ी नहीं बना सकते? बना क्यों नहीं सकते, लेकिन उसमें बहुत लफड़ा है। कल का इनाम पाने के लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते भोदा भैया? अरे बोचा, तुम लोग आम खाकर दांत साफ करोगे और फिर सर से इनाम लोगे, और मैं वहाँ खड़ा खड़ा मुंह खोलकर देखता रहूंगा। रुको, तुम्हारी सीढ़ी मैं अभी बनवाता हूँ। तो फिर पूछा, हमारी सीढ़ी बिल्कुल तैयार है, क्या कहता है? हाँ होता भैया, अब हम ध्यान से सीढ़ी पे चढ़ के आम तोड़ सकते हैं। ठीक कहा तूने, फिर उसके बाद बड़े आराम से आम खाते खाते उसका मजा उठाएंगे। खिलाऊंगा मैं तुम लोगों को आम, फिर मिलेगा उसका तुम लोगों को इनाम। अभी तुरंत मैं जाके इस आम बागान के मालिक गोवर्धन बाबू को ये खबर देकर आता हूँ। उसके बाद देखना तुम्हारी बनी हुई ये सीढ़ी कैसे तुम्हारे सिर पर आकर गिरती है। आप अभी जाकर देखिए गोवर्धन बाबू, आपके आम के बगीचे के पीछे सीढ़ी के सहारे भोदा और बोचा सब आम तोड़ ले रहे हैं। वाह 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 वाह, आम तोड़ रहे हैं, वाह। क्या आम तोड़ रहे हैं? किसकी इतनी हिम्मत? जो मेरे बगीचे से आम तोड़ रहा है उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। कितनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत है,
आप अभी जाइए, अभी ही जाइए। जाऊंगा ही, जाऊंगा ही। वहाँ जा कर के अगर मैंने उन दोनों की टांगे नहीं तोड़ी तो मेरा नाम गोवर्धन, हाँ मेरा नाम गोवर्धन चौधरी नहीं। अरे उल्लू के पट्ठों, दिन दहाड़े आम चोरी कर रहे हो, अभी बताता हूँ। भोंदा भैया भागो, तू भाग बोचा, मैं भी भागता हूँ। लगता है इतनी देर में गोवर्धन बाबू ने बोचा और भोदा को पकड़कर उनके सारे दांत तोड़ दिए होंगे। मैं जाऊं, जाकर उनकी हालत तो देखूं। अरे बाबा रे, अरे मेरे दांत। सुनो बच्चों, अभी अभी डॉक्टर साहब ने चेकअप की रिपोर्ट दी है और सबसे मजबूत दांत का इनाम जिसे मिलता है वो है श्रीमान भोदा। जाओ भोदा, इनाम के तौर पे तुम्हें एक टोकरी आम दिए जा रहे हैं। सारे आम तुम्हारे हैं, सभी दोस्तों के साथ मिलकर खाना। लेकिन सर, हादा तो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। उसका चेकअप डॉक्टर साहब अलग ढंग से कर रहे हैं, हो सकता है डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दें। ठीक है सर, हम लोग मिल बैठ के खाएंगे। ये ले बोचा, ये तू खा। वो देखो भोदा भैया। क्या रे? अरे देखो तो सही। अरे ये तो हादा है। तुझे ये पके पके आम देने की मेरी बहुत इच्छा थी रे दोस्त, लेकिन तेरी हालत बहुत ही खराब है। तू तो ये पके पके आम खा भी नहीं पाएगा रे। ओहो बहुत बुरा हुआ। सच में भाई, तेरे लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लगता है तेरा चेकअप अलग ढंग से हुआ है। खैर जो भी हो, तेरे हिस्से काम मैं खा लेता हूँ। तू बिल्कुल भी बुरा मत मानना मेरे भाई। देखिए आज पूर्णिमा है, आकाश में कितना सुंदर पूर्ण चंद्रोदय हुआ है। इसके अलावा दो एक तारे चमक रहे हैं। अच्छा सेनापति, क्या आप बता सकते हैं आकाश में कितने तारे चमक रहे हैं इस समय? कैसे बोल सकता हूँ महाराज, मैं क्या ज्योतिषी हूँ? गोपाल क्या तुम बता सकते हो? जरूर बोल सकूँगा। गोपाल तो बताओ आकाश में कितने तारे हैं? सावधान, गलत होने पर कठिन दंड मिलेगा। ठीक है ठीक है। सुनिए महाराज, बगीचे का इमली के पेड़ को देख पा रहे हैं? हाँ। उस इमली के पेड़ का जितना पत्ता है उन पत्तों के साथ 1001 जोड़कर जितना जोड़फल होगा वही आसमान के तारों की संख्या होगी। तुम्हारी बात सही है या गलत कैसे पता चलेगा? विश्वास ना हो तो आसमान के एक एक तारा गिनकर उस जोग फल से जोड़कर देखना मेरी बात सच है कि नहीं। हाँ, तब तो हो गया। इतने बड़े विशाल वृक्ष इमली के पत्तों को गिनते गिनते तो युगो बीत जाएंगे। उतने समय में पेड़ और बड़ा हो जाएगा और नए नए पत्ते आएंगे। पुराने पत्ते तो गिर जाएंगे। उसी तरह आसमान के पुराने तारे गिर जाएंगे और नए तारे निकल आएंगे। चुप न हो गोपाल, तुमसे पूछना ही गलत हो गया है। जाने दो, गलती मान रहे हो ना? सचमुच गोपाल, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। बस अब तो हमारे महाराज खुश होकर तुम्हें बहुत सारे पुरस्कार देंगे। नहीं नहीं, पुरस्कार अभी नहीं, कल मैं राज्यसभा में दूंगा। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ, संध्या होने वाली है। ठीक है, आओ। गबूचंद क्या सोच रहे हो? कल फिर गोपाल पुरस्कार पाने वाला है,
चिंता नहीं करनी होगी, कल बेटियों को ऐसी जाल में फंसाऊंगा ना कि देखना, पुरस्कार नहीं मिलेगा, उसके बदले में धक्का मार कर निकाला जाएगा। सुनो सुनो सुनो, महामहिम राजा कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं। महाराज कृष्णचंद्र जी जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी, जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी, जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी, 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 जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी। बैठिए बैठिए, आसन ग्रहण करिए। महाराज आप बोलते हैं गोपाल बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन मैं अभी एक ऐसा प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर गोपाल नहीं दे पाएगा। तो बताओ गोपाल, हमारे महाराज कृष्णचंद्र और देवराज इंद्र में क्या अंतर है? अरे यह तो बहुत ही समस्या की बात है। आज मैं सही उत्तर दिया तो देवराज इंद्र गुस्सा होंगे, अगर गलत उत्तर दूंगा तो महाराज गुस्सा होंगे। मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब? क्योंकि महाराज देवराज इंद्र को कोई नहीं देखा है, इसलिए उन्हें सब बड़े कहते हैं, लेकिन हकीकत में बड़े तो आप हैं। शेष बात यह है कि सृष्टिकर्ता आप दोनों को एक ही तराजू में तौले थे, आपका वजन ज्यादा था इसलिए आप नीचे आ गए, और देवराज इंद्र हल्के थे इसलिए वह ऊपर आसमान में चले गए, तभी हम लोग आपको बड़ा मानते हैं। तुम्हारे पास जो विलक्षण बुद्धि है उसकी तुलना नहीं है। यह लो अपना पुरस्कार, रक्त प्रवाल की माला है। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो।